हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्या कर रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए हिंदी को पढ़ रहे हैं और हिंदी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी में भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिनकी मदद से हम लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहे हैं, साथ में और एक्स्ट्रा शब्द जो अलग से शब्द हैं, जो यहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं, ये भी तैयार हो रहे हैं और हमारी वोकेबुलरी भी बहुत अच्छी हो रही है, हमारी शब्दावली बहुत अच्छी हो रही है। आप प्रमाण के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली शिफ्ट भी दी गई है। आप जाकर के पिछले सालों के पेपर खोल के शिफ्ट देख के क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। कोई भी फर्जी चीजें आपके साथ राम जी की पाठशाला पर नहीं होती। देखो, कल मैंने बोला था कि लगभग आपके 25 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, पर जैसे ही मैंने आज देखा कि कल के बाद आज लगभग 11 ही क्वेश्चन बचे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं ध्यान से देखता तो मैं ये सारे क्वेश्चन कल ही करा देता, बट कोई बात नहीं, छोटी सी वीडियो रखनी है, 10-12 मिनट की वीडियो रखेंगे और मैक्सिमम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता है आपको क्या क्या करना है, ये मुझे उम्मीद पूरी है आपसे, ठीक है। पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री है, इसलिए एंजॉय कीजिए और आप सिलेक्शन लीजिए। राम जी की पाठशाला ने अब से पहले दरोगा भर्ती में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों को दरोगा बनने में मदद की है, जिसमें हिंदी बच्चों ने पढ़ी, मूल विधि बच्चों ने पढ़ी और रणनीति कंटेंट वगैरह और भी जीएस के भी कुछ पार्ट उन्होंने यहाँ से देखे। जल्दी ही उनके इंटरव्यूज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा विलोम शब्द वाले हमारे प्रश्न चल रहे हैं। विलोम का मतलब क्या होता है कि विपरीत अर्थ वाला, विपरीत अर्थक, ठीक है, बात समझ में आई। ये देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है। देखो, ईस्ट जो होता है सामान्यतः, देखो अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ईस्ट में क्या रहता है, किसी भी देवता को बोल देते हैं कि आपके भाई मेरे ईस्ट हैं, है ना, क्या है, मेरे ईस्ट हैं, है ना। ईस्ट है, ईस्ट का मतलब होता है चाहा हुआ, है ना, जो हमारी चाहत की वस्तु होती है, जो हमारी चाहत होती है, जो हमारी इच्छा होती है, जिसको पाना हम चाहते हैं, उसको ईस्ट कहते हैं। ईस्ट से ही एक शब्द निकल के आ जाता है अभीष्ट। क्या निकल जाता है, अभीष्ट निकल आता है। तो क्या है कि भाई आप मेरे, ये वस्तु मेरे अभीष्ट है, यानी कि मैं इस वस्तु को चाहता हूं। तो ईष्ट और अभीष्ट का मतलब क्या होता है, चाहा हुआ होता है, चाहना, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, अनिष्ट। ईष्ट का क्या हो जाएगा आपका, अनिष्ट हो जाएगा, है ना, अनिष्ट, है ना, अनिष्ट हो जाएगा, यानी कि नहीं चाहा हुआ, ठीक है। अवनति, अवनति क्या होता है, मतलब एक तरह के नुकसान की सेंस होती है, पतन की सेंस होती है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, उन्नति हो जाएगा। बुरा का विलोम क्या हो जाएगा आपका, भला हो जाएगा। और पतन का क्या हो जाएगा आपका, उत्थान हो जाएगा। उत्थान का मतलब ऊपर उठना, ठीक है, ऊपर उठना, और पतन का मतलब नीचे गिरना। अवनति का मतलब भी नीचे गिरना और उन्नति का मतलब भी ऊपर जाना, यानी उन्नति और उत्थान एक अर्थ में पर्यायवाची है और अवनति और पतन एक अर्थ में आपके पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है हमारा पराधीन, पर अधीन, क्या है, पर जमा अधीन। अधीन मतलब किसी के अंडर होना, है ना, किसी के मतलब अधीन का मतलब है नियंत्रण, है ना, क्या है, नियंत्रण में होना। अधीन का मतलब क्या है, नियंत्रण में होना। और पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब दूसरे, पर का मतलब क्या, तो पराधीन का मतलब क्या हुआ, दूसरे के नियंत्रण में होना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा स्व जमा अधीन। अधीन का मतलब क्या निकल गया, नियंत्रण में होना, और स्व का मतलब क्या है, अपने। स्व का मतलब क्या है, अपने। तो दूसरे के नियंत्रण में होना, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपने नियंत्रण में होना, तो ये हो जाएगा आपका स्वाधीन। अगर देखो पराधीन की बात करें या अधीन की बात करें, ठीक है, अगर सामान्यतः लिखा जाता है कि अधीन है ना, तो हालांकि अधीन और पराधीन में बहुत अंतर है। अगर अर्थ के अनुसार देखें, पराधीन का मतलब दूसरे के अंतर्गत और अधीन का मतलब है नियंत्रण में होना, है ना। पर अगर हम सामान्यतः भाषा में देखें तो इनको एक पर्यायवाची की तरह से ही ट्रीट किया जाता है, माना जाता है। तो ये दोनों एक ही बात हो गई। प्राचीन का मतलब है पुराना, ठीक है, प्राचीन का मतलब क्या हो जाता है आपका, पुराना। और इसका विलोम हो जाएगा आपका अर्वाचीन, यानी आपका नया, है ना, नया, आधुनिक, अधुनातन, ये इसके पर्यायवाची हैं आपके, ठीक है, बात समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने। प्रत्यक्ष का मतलब है क्या, बिल्कुल सामने, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है आपका, डायरेक्ट, बिल्कुल सामने। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा इसका आपका परोक्ष। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है, परोक्ष।
परोक्ष को, परोक्ष का एक पर्यायवाची है अप्रत्यक्ष, है ना, सामने ना होना, है ना, सामने ना होना, और इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हो जाएगा। देखो यहां पर शब्द लिखा है आपका अभाव, अभाव का मतलब दो चीजों में होता है, ठीक है ना। अभाव के यहां पर दो अर्थ निकल सकते हैं, एक तो अभाव हो सकता है किसी वस्तु का, यदि यहां पर शब्द लिखा है अभाव, पेपर में आ जाए आपके अभाव आ जाए, तो यहां पर आपका जो उत्तर इसमें बनेगा, अगर किसी वस्तु के संबंध में बनेगा तो इसका जो विलोम बनेगा वो प्रचुरता बनेगा, यानी कि भाई गेहूं का अभाव है ना, और गेहूं की प्रचुरता है, गेहूं का अभाव है यानी गेहूं की कमी है और गेहूं की प्रचुरता है, इसका मतलब क्या है कि कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है, एक तो ये है। और अगर ये निकलता है कि भाई मेरे आपके प्रति क्या है भाव बहुत अच्छे हैं, या मेरा आपके प्रति भाव है, आपके आपके क्या क्या कह सकते हैं आप इसको, भाववाचक संज्ञा के अगर उसमें चला जाए तो भाव का उल्टा अभाव हो जाएगा, यानी कि मेरी श्रद्धा है और मेरी अश्रद्धा है, ये बात है यहाँ पर, है ना। अगला है निहित, निहित का हो जाएगा आपका निहित का हो जाएगा आपका अनिहित, क्या हो जाएगा अनिहित, है ना, ये निहित का हो जाएगा आपका अनिहित, क्षमा चाहता हूं, अनिहित आपका हो जाएगा यहाँ पर, और विहित का हो जाएगा आपका अविहित, है ना। विहित का मतलब क्या होता है, जो ठीक है ना, उचित है, विहित का मतलब क्या हो जाएगा, जो ठीक है उचित है करने योग्य है, और इसका उल्टा हो जाएगा अविहित, यानी कि जो गलत है और जो अनुचित है वो होता है आपका अविहित। बात समझ में आई आपको, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा यहां पर बद्ध, क्या लिखा हुआ है बद्ध, देखो द आधा है, और हमेशा जब भी संयुक्त वर्ण होता है, क्या होता है संयुक्त वर्ण होता है, जैसे आपका संयुक्त वर्ण है श्र, तो ये क्या है आपके श और र से मिलकर बना है, ठीक है, श्र, तो जो पहला वाला वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है, तो यहां पर एक्चुअली में लिखा जाना चाहिए ऐसे बद्ध, पर ये क्योंकि कंप्यूटर है टाइपिंग है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बद्ध है, बद्ध है लिखा हुआ है, इसमें पहले वाला आपका आधा है और दूसरे वाला आपका पूरा है। बात समझ में आई आपको, ये इस तरह से पूरा रहता है। तो बद्ध का मतलब होता है बंधन में, बद्ध का मतलब बंधा हुआ, बद्ध का मतलब बंधा हुआ, बंधा हुआ, है ना, बंधा हुआ, या आप कह सकते हैं बंधन में, है ना, इसको कहते हैं, ठीक है। प्रतिबंध, प्रतिबंध अलग है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बंधा हुआ का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि जो खुला हुआ है, खुला हुआ है, या जो क्या है, जो मुक्त है, क्या है, जो मुक्त है, तो बद्ध कहिए या बंधन कहिए, ये तो आपके समानार्थी हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे, इसका विलोम हो जाएगा आपका मुक्त हो जाएगा, और इसी को मोक्ष भी कह सकते हैं, है ना, इसको क्या कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका मुक्त, बद्ध का हमेशा लगाना है आपको मुक्त, और अगर लिखा आएगा बंधन, अगर बद्ध लिखा आएगा तो मुक्त लगाना है। देखो यहां पर जैसे दोनों आंसर है, मोक्ष और मुक्त है, तो बद्ध का आपको मोक्ष नहीं लगाना, बद्ध का हमेशा आपको लगाना है मुक्त, है ना, विलोम आएगा, और अगर आ जाता है बंधन तो बंधन का आपको लगाना है मोक्ष, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा यहां पर प्रशंसक, है ना, फॉलोअर कह देते हैं कि मैं आपका फॉलोअर हूं मैं आपका प्रशंसक हूं, प्रशंसक का मतलब है जो आपकी क्या करे, तारीफ करने वाला हो, आपकी स्तुति करने वाला हो, है ना, आपकी तारीफ करने वाला हो, आपकी प्रशंसा करने वाला हो, आपकी बड़ाई करने वाला हो, उसको कहते हैं प्रशंसक। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो आपकी तारीफ ना करे क्या करे, चुगली करे, है ना, आपकी स्तुति ना करे क्या करे, निंदा करे, है ना, आपकी बड़ाई ना करे आपकी क्या करे, बुराई करे, तो प्रशंसक का क्या हो जाएगा, आपका निंदक हो जाएगा। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश हो जाएगा। कटु मतलब कड़वा, कटु का मतलब क्या होता है, कड़वा, कड़वे का उल्टा क्या हो जाएगा, मीठा, यानी कि मधुर, है ना, क्या हो जाएगा आपका, मधुर हो जाएगा, कटु का उल्टा क्या हो जाएगा, मधुर, है ना। और समीक्षक, समीक्षक का अगर विलोम देखें तो लेखक हो जाता है, लेखक कोई पुस्तक लिखता है और समीक्षक उस पुस्तक की समीक्षा करते हैं, बताते हैं कि पुस्तक कैसी है। अगला प्रश्न है हमारा अतिवृष्टि, ये शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अति और साथ में लिखा है वृष्टि, वृष्टि का मतलब क्या होता है, बारिश, वर्षा, क्या होता है, वर्षा, और अति का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना, अत्यधिक, अत्यधिक वर्षा, तो अत्यधिक वर्षा का क्या होगा, बिल्कुल भी वर्षा ना होना, तो इसका हो जाएगा अनावृष्टि, अन और वृष्टि, है ना, अन जमा वृष्टि, ये साधारण मतलब उसमें है, अना जमा वृष्टि, तो अना का मतलब बिल्कुल नहीं, अति का मतलब बहुत ज्यादा,
तो बहुत ज्यादा बारिश या बिल्कुल भी बारिश नहीं तो अनावृष्टि हो जाएगा। प्रतिवृष्टि कुछ नहीं होता, अन्यवृष्टि कुछ नहीं होता, वृष्टि का मतलब सीधे सीधे बारिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर अधुनातन। तो अभी मैंने बताया अधुनातन का मतलब क्या है आपका आधुनिक, अधुनातन का मतलब क्या है आपका आधुनिक यानी कि मॉडर्न, है ना। एक और इसका शब्द है अर्वाचीन, क्या है अर्वाचीन। तो अधुनातन आएगा तो अगर शब्द लिखा होगा आपका अधुनातन तो आपको उसका उल्टा लगाना है पुरातन। पुरातन का मतलब क्या होगा आपका पुराना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका लिखा होगा यहां पर अर्वाचीन तो आपको लिखना होगा यहां पर प्राचीन, है ना प्राचीन। और आधुनिक अगर लिखा होगा तो आप यहां पर इसको भी पुरातन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, है ना। आधुनिक ये इस तरह से आप करके लगा सकते हैं, ठीक है। नए का आपको पता ही है, नए का क्या हो जाएगा आपका पुराना हो जाएगा, नए का आपका क्या हो जाएगा पुराना हो जाएगा। और अनावरण का हो जाएगा आपका आवरण, आवरण का मतलब ढका हुआ, किसी चीज से ढका हुआ, है ना। आवरण का मतलब क्या है कि कोई ढकने वाली चीज, और अनावरण का मतलब कोई चीज बिना ढकी हुई। अगला प्रश्न है उपकार। उपकार मतलब किसी का भला कर देना, किसी का अच्छा कर देना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपकार यानी कि किसी का बुरा कर देना। तो उपकार कहिए या परोपकार कहिए बात एक ही है, अगर उपकार और परोपकार आएगा तो आपको अपकार ही उसमें लगाना है, ठीक है। अगर यहां पर मदद आएगा तो मदद का उल्टा आपको लिखना पड़ेगा कष्ट देना, अगर कोई मतलब क्या कर रहा है मदद कर रहा है तो कष्ट देने की सेंस आएगी आपकी यहां पर। और अगर बात आएगी आपकी यहां पर सहायता की तो सहायता का यहां पर उल्टा हो जाएगा आपका असहयोग, क्या हो जाएगा असहयोग हो जाएगा। सहायता करना मतलब किसी की हेल्प करना, और असहयोग मतलब किसी की मदद ना करना। अगला प्रश्न है यहां पर आपका प्रतिवादी। देखो जब भी आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहां पर दो दो शब्द होते हैं, वादी और प्रतिवादी। वादी वो व्यक्ति होता है जो मुकदमा दायर करता है, जो मुद्दई होता है, है ना, जिसने मतलब कोर्ट में अपना मामला दायर किया है, मुद्दई, है ना, वादी होता है वो, है ना। फरियादी होता है कि मेरे साथ गलत हुआ है जज साहब, बड़े हुजूर मेरे साथ गलत हुआ है, वो व्यक्ति है फरियादी। और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, जो प्रतिपक्ष होता है ना, वादी का मतलब पक्ष, है ना, पक्ष है, एक पक्षी है, और जो प्रतिपक्ष होता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो आरोपी होता है, जिसके खिलाफ वो न्यायालय में क्या मांगने गया है, न्यायालय में आपका न्याय मांगने गया है, उसको प्रतिवादी कहते हैं। तो प्रतिवादी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका आरोपी हो जाएगा, विपक्षी का क्या हो जाएगा आपका पक्षी हो जाएगा, है ना, विपक्षी का क्या हो जाएगा पक्षी आपका हो जाएगा, ठीक है। पक्षी अब ये वाला पक्षी नहीं है उड़ने वाला, यहां पर पक्षी का मतलब ये वाला पक्षी है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर समझनी चाहिए। अगला प्रश्न है यौवन। यौवन यौवन का मतलब युवा अवस्था, यौवन का मतलब युवा अवस्था, जवान बना हुआ एकदम युवा अवस्था। पर चाउमीन खाएगा, बर्गर खाएगा, और फास्ट फूड खाएगा, शराब पिएगा, गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा, मांस खाएगा, ठीक है। मांस खाने से कुछ कुछ लोग हैं, मांस खाने से कुछ कुछ शरीर में लगता तो है कि भाई अच्छा हो जाएगा शरीर, पर अच्छा नहीं होता शरीर, धीरे धीरे लीवर ठप होने लगता है, बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाता है, और ब्रह्मचर्य का नाश करेगा। पुरुष स्त्री के, स्त्री और पुरुष के चक्कर में अगर रहेगी और ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे, गलत गलत काम करेंगे, तो युवावस्था थोड़े दिन की रहेगी, तो उसका उल्टा क्या दिखाई देगा, जरा दिखाई देगा, थोड़े दिन में जरा हुआ, जर लग जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये यौवन का उल्टा जरा हो जाएगा। पराजय का क्या हो जाएगा जय, यानी जय का मतलब क्या होता है जीत, पराजय का मतलब होता है हार। जीत का क्या हो जाएगा आपका हार हो जाएगा, और मृत्यु का क्या हो जाएगा आपका जीवन हो जाएगा। बात समझ में आई? और अगला प्रश्न है यथार्थ। यथार्थ का मतलब सच्चाई, यथार्थ का मतलब क्या होता है सच्चाई, हकीकत, है ना, हकीकत। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कल्पना हो जाएगा आपका। देखो विचार आए, सदविचार आए तो इसका उल्टा सीधे लगाना है कुविचार। निद्रा आए या स्वप्न आए तो इसका आपको विलोम लगाना है जागरण। और उड़ान शब्द का स्पेशली कोई पर्यायवाची उस तरह से नहीं होता है, तो ये बात आपको यहां पर अच्छे समझ लेनी है। तो आपके विलोम खत्म हो गए, ये क्लास आपकी डेली चलेगी, कल से पर्यायवाचियों पे लग जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाएंगे और उसके बाद फिर अलग से एक एक क्लास लाएंगे, फिर आपकी मैराथन भी लाएंगे और आपको 20 आउट ऑफ 20 करवाएंगे जीडी में, इसकी बात की चिंता मत करिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भरद्वाज, जय हिंद जय भारत।